हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्वीट फ्लेवर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड रसमलाई। ये बहुत ही यम्मी है और बहुत जल्दी बन जाती है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने लिया है 1 लीटर दूध। ये फुल फैट मिल्क है, इसको हमें बॉयल करना है। इसको हम लो हीट पर बॉयल करेंगे। अगर आपके पास कोई ऐसा बर्तन है जिसका तला बहुत मोटा है तो आप वो यूज़ कीजिए। ये दूध बिल्कुल भी नीचे नहीं लगना चाहिए। अब हमने यहाँ पर 1 पिंच लिया है जायफल और थोड़ा सा सैफ्रन यानी कि केसर, और इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये सब डालते से ही इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगेगी और कलर भी चेंज हो जाएगा। तो आप इसे लो फ्लेम पे चलाते ही रहिए और ये धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा। तो अगर इस तरह से मलाई आ जाती है तो आप मलाई इसी में मिक्स कर दीजिए, उसकी वजह से ही ये गाढ़ा होता जाएगा। साइड से भी आप मलाई निकाल लीजिए जो भी है। और ये आधा हो चुका है, आप देखिए। इस टाइम पे हम इसमें शुगर डाल लेंगे आधा कप। अगर आप कम शुगर खाते हैं तो आप शुगर कम डाल लीजिए। 2 से 3 टेबलस्पून हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ बादाम, पिस्ता और काजू लिया है। और अब हम इसे 2 मिनट और बॉईल करेंगे। और देखिए हमारी मलाई रेडी है, इसे हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं। हम ब्रेड की 2 स्लाइसेस लेंगे। यहाँ पे हमने व्हाइट ब्रेड ली है, ब्राउन ब्रेड से इतनी अच्छी नहीं बनेगी। और ये स्टील का ग्लास लिया है, या फिर आप कुकी कटर ले सकते हैं और उससे हम ये एक राउंड शेप कट कर लेंगे ब्रेड स्लाइस का। ये देखिए, और इसी तरह से हम एक और ब्रेड कट कर लेते हैं। ये 2 राउंड शेप रेडी है हमारे पास। हमारी मलाई ठंडी हो चुकी है, अब हम इस ब्रेड को मलाई में डिप करेंगे। ब्रेड को आप मलाई में 5 सेकेंड्स के लिए डिप कर सकते हैं। आप उससे ज़्यादा मत कीजिए, क्योंकि अगर ज़्यादा करेंगे तो ब्रेड सॉगी हो जाएगी। तो आपको जब ये खाना हो उसी टाइम आप ब्रेड को डिप कीजिए मलाई में और तुरंत ही इसको सर्व कीजिए। देखिए मैंने 5 सेकेंड्स डिप करके रखी है, अब इसे सर्व कर लेते हैं। तो सर्व करने के लिए हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और थोड़े केसर से इसको गार्निश कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी बहुत ही डिलीशियस ब्रेड की रसमलाई रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी है और ये बहुत ही जल्दी बन जाती है। घर में सभी को बहुत पसंद आती है। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग होम स्वीट फ्लेवर्स। बाय बाय।